directors Kunal Kapoor and Mohit Marwa of the upcoming patriotic film Raag Desh came for an interaction about their film directed by Tigmanshu Dhulia. And it was interesting to hear what each had to say about the army and patriotism towards one country. Let's hear the two speak about their roles and why the film appeals to them. मैं शाहनवाज खान प्ले कर रहा हूँ जो जो सीरियस कैरेक्टर है लेकिन सीरियस मतलब ऐसे सीरियस नहीं है कि मायूस हैं दुखी या परेशान हैं ऐसे सीरियस नहीं है वो ऐसा है कि एक तो जनरल हैं तो उनका ओहदा थोड़ा सीनियर है दूसरा वो जब भी कुछ कहना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस हैं एकदम से कुछ कर लिया वो सोचेंगे उसके बारे में फिर ध्यान से जवाब देंगे अगर आप उनको कुछ पूछेंगे भी तो ऐसा नहीं है कि एकदम से जवाब दे देंगे आपको सोच समझ के बात करते हैं तो एक बहुत ही मेजर्ड बहुत ही डिसिप्लिन्ड लीडर के तौर पर उनका कैरेक्टर है प्रेम सहगल का जो कैरेक्टर था वो यू नो एक बहुत अच्छे फैमिली से था एक खाते पीते घर से था उनके फादर लाहौर हाईकोर्ट के जज थे और उसके बावजूद भी जब उनको मौका मिला उनने ब्रिटिश आर्मी को छोड़ के इंडियन आर्मी इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन की अपने देश के लड़ने के लिए तो उनकी जो साइकी थी उसको समझना बहुत ज़रूरी था कि वो सब कुछ होते सोते इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेंगे वो पैशन को समझना ज़रूरी था कि वो यू नो ये अपॉर्चुनिटी जब उनको मिली तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्यों ग्रैब की तो दैट वाज व्हाट व्हिच वाज यू नो इम्पॉर्टेंट पर उसके बाकी जो बिकॉज पीरियड फिल्म थी तो फिजिकैलिटी पे काम करना था बॉडी लैंग्वेज पे काम करना था एक्सेंट एक अलग था क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का कैरेक्टर था उसके बाद हमने जो डॉक्यूमेंट्रीज देखी कुछ पिछले उनसे इन्फॉर्मेशन गेन की फिर अपने फैमिली के पुरानी एल्बम्स में गए वहाँ पे मैंने अपने ग्रैंडफादर अपने नाना दादा उन सब की फोटोज़ को देखा उसमें से यू नो कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश की और फिर मिक्स करके ये कैरेक्टर तैयार किया जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मेरा पहला एक्चुअली रिएक्शन था कि इसके ऊपर पहले किसी ने पिक्चर क्यों नहीं बनाई क्योंकि इतनी कमाल की कहानी है इसमें सब कुछ है जो एक अच्छी कहानी में होना चाहिए वॉर ड्रामा है एक कोर्टरूम ड्रामा है इमोशंस के बारे में है रोमांस है ब्रोमांस है सब कुछ जो एक अच्छी पिक्चर में होना चाहिए वो सब है लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि हमारे जो हिस्ट्री है उसका जो सबसे अहम पन्ना है वो इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन और उसके बाद जो रेड फोर्ट ट्रायल्स हुआ था वो है और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आज तक इसके ऊपर किसी ने पिक्चर नहीं बनाई है मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि हमारी जो हिस्ट्री की किताबें हैं उसमें इसका बहुत कम ही मेंशन है हमारा जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है सोल्जर्स के लिए वो डेफिनेटली बहुत उठ गया है बिकॉज आपने जब एक सोल्जर का रोल प्ले करते हो जबकि हमने इंडियन नेशनल आर्मी का सोल्जर प्ले किया अब इंडियन आर्मी हो चुकी है पर बिकॉज हमने सोल्जर प्ले किया हमने उनके डेप्थ को समझते हैं उनकी यू नो वी अंडरस्टूड देयर सॉर्ट ऑफ हाउ द कॉम्प्रोमाइजेज दे डू तो और इसी की वजह से हम परसों जैसलमेर जा रहे हैं हम बॉर्डर जा रहे हैं और वहाँ पे हम सोल्जर्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे हम वहाँ पे उनको अपने गाने दिखा रहे हैं अपनी पिक्चर दिखा रहे हैं उनको ट्रेलर दिखाएंगे उनसे बातचीत करेंगे और एक तरह से हम चाहते हैं कि हमें उनका भी एक अप्रूवल और उनकी भी ब्लेसिंग्स मिले बिकॉज यू नो इट विल मीन अ लॉट टू अस